हम जितना आपको दे सकते हैं हम कोशिश करेंगे समय में दे सकते हैं. हाँ ऐसे भी बोलेंगे तो विल बी बेटर. तो हम सभी का जो शुरुआत होती है मेरी भी सुष्मिता जी की भी मीता वशिष्ठ जी की भी हम सभी की. तो हम लोग छेटे से सिनेमा में गए फायदा हुआ. एक्टिंग को कैसे पर्दे पे लाया है अगर हम फिक्शन फिल्म की बात करें. फिल्म दो तरह की होती है वैसे बहुत तरह की होती है लेकिन जो बहुत ब्रॉडली जो प्रॉब्लम लोग समझते हैं एक होती है डॉक्यूमेंट्री और दूसरी होती है फीचर फिल्म यानी फिक्शन. ठीक है फिक्शन क्या होता है मन खड़ा जो असलियत नहीं होती असली कहानी के ऊपर भी बनती है तो उसको आप फीचर फिल्म कहते हैं. तो फिल्म और थिएटर में क्या फर्क है फिल्म एक्टिंग में और थिएटर एक्टिंग में क्या फर्क है आप लोग बता सकते हैं. फिल्म रोल होते नहीं है टेक्निक का बस फर्क है क्या टेक्निक में क्या फर्क है. अभिनय में सर कोई बदलाव नहीं होता बस टेक्निक में बदलाव होता है. क्या वहाँ कैमरे की एंगल भी था अपने एक्सप्रेशन को लाउड या स्लो करते हैं. बाकी हम थिएटर में पूरी ऑडियंस के साथ में सामने की ओर देखते हैं. थिएटर में लाइव ऑडियंस होती है और कैमरे में अगर कुछ ऊपर से कमी हो जाता है उसमें क्या फ़ायदा है जिस तरह की वादा जो हमने किया उस और दोबारा से थिएटर में ऐसा सर जैसे कि अपनी उसमें थिएटर में तो सर अपन को एक ही बार में परफेक्ट लाना पड़ता है और अगर अपन ऐसे मूवी करते हैं तो उसमें अपन रीटेक भी कर सकते हैं रिसोर्स में जिसमें और सुधर सकते हैं. रीटेक में आप दोबारा खुद कर सकते हो लेकिन अगर आप रीटेक करते हो
एज एन एक्टर, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर आप दोबारा से एक ही शॉट दोबारा से लेना चाहते हो, किस चीज़ का ध्यान रखना? और निखर के आगे आए और सुधरे, और सुधरे वो जो अपन कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छा हो। नहीं चलो सुधार तो चलो ठीक, गलती हो गई उसको सुधार लेना है, कैमरा मैन की भी गलती हो सकती है, किसी की भी गलती हो सकती है जिसकी वजह से रीटेक हो सकता है, लेकिन रीटेक में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना? जो आपने पिछले जेस्टर और पोस्टर एनर्जी से भी दूसरी चीज है, जो जेस्टर और पोस्टर आपने शुरू में रखे थे आपकी उस पोस्टर्स के साथ कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ताकि वो जो उससे पिछला वाला शॉट है उसके साथ ये वाला शॉट जुड़े। तो ये फिल्म का सबसे बड़ा वो जो है इसको बोलते हैं पैन, पैन लेफ्ट पैन राइट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। पैन का क्या मतलब है कि सारी जो तस्वीर है ऐसे से शूट करते हैं, इनसे लेकर के आप तक लेके गया तो पैन राइट हो गया, और आपसे लेकर के इनके पास लेके गया तो पैन लेफ्ट हो गया, कि कैमरा का ये मूवमेंट हो गया पैन। और ये अगर मैं कैमरा ऐसे जाके ऐसे जा रहा हूँ और ऐसे जाके ऐसे जा रहा हूँ फर्क इतना ही है, आपको कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए ठीक है। और ये अगर मैंने किया तो इसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड, अच्छा सुम इन ओके। और अगर मैं ये किया तो क्लोजअप तो आप जूम से भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैकिंग ओके। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, पैन पैन लेफ्ट पैन राइट, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, साइड वे, टिल्ट अप टिल्ट डाउन, कैमरा को ऊपर ले जाना कैमरा को नीचे, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी इस तरह, जूम इन जूम आउट और ट्रैकिंग ठीक है। तो साइड वे जाते हैं उससे आप बोलते हैं पैन की बात मोबाइल से भी शूटिंग करते हो आपके काम की है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मैं शॉट कैसे लू, फिल्म को कैसे कंपोज करूं ओके। वो कंपोजिशन जो है उसके बारे में हमारा पहला लेक्चर होगा, पिक्चर कंपोजिशन ठीक है, जो फायरमैन है कैसे किसी को रेस्क्यू करें, लेकिन ये शॉट आपस में कोई कनेक्शन नहीं है इनका, लेकिन आदमी का जो दिमाग है उसको जोड़ देता है ठीक है। ये यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, उधर आग चल रही, इधर चल रहा, तो दिमाग का जो वो है तरीका है चीज़ को समझने का, वो जोड़ लेता है कि एक ही सीन में है, अगर उसका जो वातावरण है जो एम्बियंस बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, अगर हम उसको मेनटेन करें। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हम शूट करते हैं इस स्लाइड को आप मन में हिसाब दिमाग से ध्यान से रखना, अभी आपको दिखाता हूँ, आप इसे कोई भी दो इंसान यहाँ पे आप एक दूसरे से बात करो यहाँ ठीक है, बात करो कुछ भी बात कर रहा है, ठीक है। अब इनके चल रहे हैं, यहाँ से लिया इतना देख रहे हैं इनको बाइक,
ठीक, इसका मतलब ये दोनों लोग ये आपस में बात कर रहे हैं, सच्चाई भी यही है, असलियत भी यही कि दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये किधर देख रहे थे, कैमरा फ्रॉम मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से राइट, और ये डेफिनेटली अब मैं यहाँ से लेता हूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ लेफ्ट, और ये बात देख रहा हूँ राइट, आप ये भी लेफ्ट। अगर दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं दो शॉट में तो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, दोनों एक ही तस्वीर देख रहे हैं या एक ही फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या हुआ, इनके बीच में जो लकीर है इसको मेरे को कभी भी क्रॉस नहीं करना है, जब मैं शॉट ले रहा हूँ तो इस तरफ और इस तरफ से इनके बीच में जब मैंने शॉट ले रहा तो मैं इस लाइन में क्रॉस नहीं। Elle est au garage. Allez, quoi, je reste avec toi. De toute façon, j'ai mal à la tête. On sera pas ensemble, mais je voudrais rester à côté de toi. Non, ce n'est pas ça, Michel. लेकिन ये आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कोई भी रूल जो होता है वो पत्थर की लकीर नहीं होती है, उसको हर एक आर्टिस्ट को हर एक क्रिएटिव बंदे को अपॉर्चुनिटी होती है कि कैसे उसको आगे चेंज करें। जो सिनेमा बनी ही नहीं थी, कोई फिल्म नहीं बनी थी, सबसे पहली फिल्म ये जूनियर ब्रदर्स की अराइवल ऑफ अ ट्रेन एट अ स्टेशन, ठीक है, सबसे बेसिक है, यहाँ से सिनेमा की बनी हुई चले चले। जमाने में जब ये फिल्म दिखाई गई इसमें सिंपली वो दिखाया जो चीज़ आप रोज देखते हैं ट्रेन में, कैसे लोग पकड़ते हैं क्या करते हैं, जो असली जीवन है रियल लाइफ जिसे बोलते हैं वो दिखाया गया। तो इसमें अगर बेसिक बगैर किसी काम धाम के भी अगर आप कोई चीज़ उसमें इंटरेस्टिंग शूट कर रहे हो, इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है, कोई बच्चा ढूंढा जा रहा है, कोई उसके पीछे आ रहा है, उसने एक ही शॉट ले लिया, लेकिन अगर वो सीक्वेंस इंटरेस्टिंग है रियल लाइफ सीक्वेंस है तो वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस तरह की फिल्म को बोलते हैं सिनेमा वेरिटे, मतलब जिस चीज़ को जैसा है वैसा ही दिखाया, ठीक है। ये सबसे पहली डिस्कवरी थी कि कैसी फिल्म दिखाई गई, सिनेमा वेरिटे, लाइफ का जो हिस्सा है उस टाइम जो हो रहा है, जो जीवन है, अगर जीवन जब पहले आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे तो आपके सामने निकल जाता था, एक याददाश्त बन जाती थी, लेकिन इसमें एक क्या तरीका हुआ कि याददाश्त को हमेशा के लिए दोहराया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, और उसको दोबारा देख के आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहली फिल्म, आगे चलिए अगले इंक्रीज होती जा रही है बिल्कुल, लेकिन लग रहा है कि बढ़ गई, लग रहा है लेकिन है वही सेम तस्वीर को तीन बार दिखाया गया। और अगला दिखाई अब ये नहीं लग रहा कि साइज सेम है, ये पास में है लगा हुआ, वो थोड़ी दूर है तो थोड़ा छोटा दिख रहा है। और ये आपको क्यों पता लग रहा है, क्योंकि पहले क्यों पता, क्यों आपको डिफिकल्ट आ रही थी कि ये देखिए लाइन देख रहा, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव लाइन्स। रियल लाइफ में भी जो हॉरिजन होता है, देखिए ये हॉरिजन है, हॉरिजन क्या होता है,
जहाँ का कैमरा होता है उसको अपने आप बने रहता विजन का, आपकी आँख जहाँ पे होती है वो वहाँ पे हॉराइजन बनता है, कैमरा आपकी आँख होती है उस टाइम। तो हॉराइजन में क्या होता है, सारी लाइनें जो हैं वो कन्वर्ज करती है, एक जगह पे जाके जुड़ जाती है, एक जगह पे जाके मिल जाती है। तो जब लाइनें एक जगह पे जाके मिल जाती हैं तो उससे जो पर्सपेक्टिव है उसको बोलते हैं, उसका जो वैनिशिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट पे जाके वो जो चीज़ है वो बिल्कुल वो लुप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इतनी छोटी हो जाती है कि लुप्त हो जाती है। तो आप देखोगे कि ये जो लाइन ऑफ पर्सपेक्टिव है, ऐसे पिलर्स को भी देखो छोटे होते जा रहे और जो लोग हैं वो भी छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सेम लग रहे हैं, क्योंकि इनको जोड़ने वाली जो लाइन है इनके सर पे, अगर आप लाइन बनाओगे तो यही जाके मिलेगी, जो वैनिशिंग पॉइंट है उसके जाके मिलेगी, तो उससे आपका पर्सपेक्टिव डेप्थ इस्टेब्लिश होता है। अगले पीजिए, ये बेसिकली सिंपल आँख की देखने का तरीका है कि क्यों ऐसा होता है कि जो दूर होती है, देखो ये आपका आँख का लेंस है, ये दूर से ऐसे आ रही थी, एंगल छोटा हो जाता है, ये एंगल बड़ा हो जाता है, वो चीज़ जो है दूर वाली छोटी दिखती है और ये वाली बड़ी दिखती है। तो आपकी जो आँख है वो भी ऐसे ही देखती है, इसीलिए आपको वैसे ही क्रिएट थ्रू कैमरा। चलिए आगे चलिए, अब इस तस्वीर में वही कॉन्सेप्ट बताया गया कि वो दोनों एक ही जगह के हैं लेकिन वो पीछे से देख रहा है, इसमें क्या लग रहा है, ये फोटो ऊपर से ये लग रहा है गाय का, क्यों ऐसा लग रहा है, हमने इसको ऑप्टिकल इल्यूजन को कैसे क्रिएट किया, कलर स्ट्रेंथ ऑफ शेड, स्ट्रेंथ ऑफ शेड, स्ट्रेंथ ऑफ शेड कैसे क्रिएट हो, लाइटिंग, आप समझ रहे हैं, लाइटिंग को मैंने लाइटिंग के साथ फेर बदल करके एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट कर दिया, इस तस्वीर को मीनिंग ही नहीं है, लेकिन अगर मैंने कुछ चीज अजीब सी बनानी चाहिए तो मैं लाइटिंग का इस्तेमाल करके, अगर देखने बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं लेकिन इन सिंपल चीजों से आपको क्या समझ जाएगा कि कैसे आप कैमरा से तरह इल्यूजन क्रिएट कर सकते। जो लोग सब एक्टिंग करना चाहते हैं आप ये समझ लो कि फिल्म मेकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आगे चलिए, ये उसी तरह की बहुत सारी ऑप्टिकल इल्यूजन है, इसको देखिए, ये समझ में आ रही है तस्वीर, ध्यान से देखो, क्यों नहीं समझ में आ रही, क्योंकि सर जो उसका स्टार्टिंग है तो लास्ट में उसकी वो चेंज मिला है। अच्छा शाबाश, वेरी गुड, आप सबसे छोटे हो लेकिन बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ जो इसके बीच में जो गैप है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब ये समझ लो अगर तीन सिगरेट है जो भी है, यहाँ पे सिलेंडर है, यहाँ पे गोल है, तो एक चीज होगी, दूसरा इन दोनों के बीच में या तो सिलेंडर है या तो वो है प्रिज्मॉइड है, इन दोनों के बीच में जो है इसकी मैंने शेप चेंज की, लेकिन इन दोनों के बीच में एक गैप है, ये तो गैप खाली होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे हमने एक गोल बना दिया। इस तरह से आप सारी इल्यूजन देखोगे, जैसे ये वाला सर्कल है ये पीछे भी हो सकता है आगे भी हो सकता है, ठीक है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये सीलिंग पे ऐसे होके ऐसे होके ऐसे है, ये उल्टा भी हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे देखोगे वैसे करोगे, क्यूब में भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये बॉटम भी दिखता है और टॉप भी दिखता है, तो सारी इल्यूजन में आप किस तरह से चीज को देखते हो, किस तरह से उसको ऑब्जर्व करते हो, उससे फर्क पड़ता है। आगे आप उसी को मैंने कैमरा की पोजीशन बदली तो वो पेड़ अलग से दिख गया और वो जंगल कट गया, तो मैंने कैमरा की पोजीशन कहाँ पे रखी, कोई ऐसी आपको आप लोकेशन पे जाते हो तो लगता है ज़्यादा वैरायटी नहीं है, लेकिन आपको अपनी आँख को हमेशा खोलते देखते हैं किस चीज़ को कैसे देखते हैं और कैसे शूट करते हैं, उसके सेम चीज़ के दो अलग अलग, पहले जंगल दिख रहा था और अभी अकेला पेड़, ये बहुत मशहूर पेंटिंग है द प्रोफेनेशन ऑफ द होस्ट, पॉलो चेलो की पेंटिंग है, इसमें आप देखेंगे कि बहुत साल पहले भी ये सारा जो पर्सपेक्टिव का जो मैंने आपको रूल बताया है वो सब जगह इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वो सब
फिनिशिंग पॉइंट पे सब जाके मिल रहा है। उसके लिए पेंटिंग में इन्होंने क्रिएट किया, सिनेमा में वही क्रिएट होता है। आगे चलिए, ये क्या है उसकी पेंटिंग में आप देखोगे यहाँ पे ये एंगल दिख रहा है, इधर से मैंने लगाया लोगों को आते दिख रहा है, मैं कहाँ पे रखता हूँ कैमरा को, उससे जो है पूरे हर तरह की सीन को आप शूट कर सकते। ठीक है, आगे देखिए। अब कैमरा के बारे में दोनों चीजें फोकस में आ गई, फिश लेंस जो है उसको और भी वाइड कर दिया, तो जितना ज्यादा आप फोकल लेंस बढ़ जाएगी उतनी चीज छोटी दिखेगी, विजन एंगल ऑफ विजन छोटा दिखेगा, पर अंदाज़ ज्यादा और उसमें एंगल ऑफ विजन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग जब कैमरा यूज करते हैं आजकल प्रॉब्लम क्या है कि मोबाइल में ना ये सारे फंक्शन आप कर नहीं पाते, मगर अगर आपको सीरियसली शूट करना है कैमरा, स्टिल फोटोग्राफी भी करनी है, फिल्म मेकिंग भी करनी है, एक प्रॉपर कैमरा और एक प्रॉपर स्टैंड लेना पड़ेगा। आप देख सकते हो, ठीक है, अगर आपका अपर्चर छोटा होगा तो ज्यादा चीजें फोकस में, उसको क्या बोलते हैं जब ज्यादा चीजें फोकस में आती है, तो आप बताइए उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड, कितनी चीजें फोकस में आ रही हैं और कम चीजें फोकस में आती है डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ डेप्थ ऑफ फील्ड पर, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत कम है, इतना ही दिख रहा है फोकस में, यहाँ इतना दिख रहा है, यहाँ इतना दिख रहा है, अपने आप लेंस का क्या किया मैंने 200 mm में लेंस का फील्ड कम हो गया, लेकिन अगर मैंने अपर्चर को छोटा कर दिया तो डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाता है, ज्यादा चीजें फोकस में आ जाती है। तो आपको जब शूट कर रहे हो तो आपने देखिए मेरा जो सब्जेक्ट है जिसको मैं शूट कर रहा हूँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, उस पर फोकस कैसे करोगे, उसको फोकस में रखोगे, दूसरे को आउट ऑफ फोकस रखोगे, उसके हिसाब से आप अपना अपर्चर और डेप्थ ऑफ फील्ड, अगर आपको कम चीजें फोकस में चाहिए तो अपर्चर बढ़ा दो, ठीक है, ज्यादा चीजें फोकस में चाहिए तो अपर्चर घटा दो, लेकिन अपर्चर घटाने से क्या होगा लाइट कम हो जाएगी, तो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो उससे अगर मैं किसी उसमें समुद्र के किनारे खड़ा हूँ, मेरे इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट है, द पर्सन हु स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सी और द सी, अकॉर्डिंग टू दैट वी अपनी डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज करते हैं। और कभी कभी आपके देखा होगा फिल्म में क्रॉस फोकस भी करते हैं, एक बार एक पे चेहरे पे किया तो उसको आउट ऑफ फोकस करके पीछे के चेहरे पे, तो क्या हुआ एक जैसे ड्रामा क्रिएट किया, इस तरह से आप उसको फोकस कर सकते हैं। किसी भी चीज को देखने के लिए ये यहाँ से सीधा देख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा और खड़ा हुआ ये यहाँ से देख रहा है, ये और खड़ा हो गया तो यहाँ से कुर्सी पर बैठा है, ये जो खड़ा है तो यहाँ से देख रहा है, सेम चीज को देख रहे हैं लेकिन स्ट्रेट नजरों से देख रहे हैं, तो उसमें हर एक को अलग अलग चीज दिखेगी। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक हाथी का चार अंधे लोग होते हैं, एक हाथी का पाँव पकड़ा होता था, एक खंबा है, किसी ने पूछ पकड़ी तो कुछ और समझा, किसी ने सूंड पकड़ी तो कुछ और समझा, किसी ने कान पकड़े तो उसने कुछ और समझा, तो इस तरह से आप कहाँ देख रहे हो तो सेम चीज को आप किस कैमरा की किस पोजिशन में देख रहे हो डिफरेंट परस्पेक्टिव से, तो वो चीज़ डिफरेंट दिखती है। और आपको आपको दर्शक को क्या दिखाना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये है कि मैं जब शूट कर रहा हूँ तो मैं दर्शक को क्या दिखा रहा हूँ, आगे अब एक ही चीज को देख रहे हैं, एक ही चीज को देख रहे हैं लेकिन इसको चार डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, तो एक ही चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से लाने से उसका डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट आएगा। तो ये देखिए लो एंगल पॉइंट ऑफ व्यू के मकान को हमने नीचे से दिखाया है, ठीक है, और ये ड्राइंग का क्या तरीका बताया कि वैनिशिंग पॉइंट वगैरह क्या होता है, तो लो एंगल पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मतलब है, मैं क्या दिखा रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, हाँ, कि वो कितना बड़ा है, बड़ा है कि उसका बड़ापन दिखा रहे हैं, उसको नीचे से शूट, अमिताभ बच्चन को शूट करेंगे तो नीचे से करेंगे अगर, तो क्या होगा, ही इज द बिग डील, आदमी वही है, हो सकता है उसकी हाइट 5 फुट ही हो सकता है, हालांकि इसकी हाइट ज्यादा है, क्योंकि 5 फुट ही उसको नीचे एंगल से दिखाओगे तो ये छोटा सा सादा सा घर है, लेकिन आपने दो एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बड़ा दिखाया, इम्पोर्टेंट दिखाया।
ठीक है अगला मिड एंगल में हम दोनों ने आपस में बात करेंगे ही इज वन ऑफ अस ओके कच्चा इंसान आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो वो आपसे कच्चा इंसान है कई बार झुकी झोंपड़ी को आपने खुद ऊपर से देखा है सारी झुकी झोंपड़ी को दिमाग में जानबूझ के बेशक बेइज्जती ना करनी चाहते हो लेकिन दिमाग में वही होता है तो गरीबों की बस्ती है ऐसे अच्छा दूसरा चीज ये समझिए कि जब जब किसी चीज शूट करते हो तो डायगोनल है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन स्टेट ऑलवेज इट इज मोर इंटरेस्टिंग स्टेट जो है बड़ा बोरिंग सा शॉट बनता है अब पर्सपेक्टिव में एक तो होता है कि वैनिशिंग पॉइंट एकदम एकदम पीछे की तरफ जाता है दूसरा डबल वैनिशिंग पॉइंट में एक इधर को जाता है तीनों एंगल जाता है लेकिन एक तीसरा भी विजन है जो उसको अगर लोअर एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेते हो तो आपको तीसरा पर्सपेक्टिव ऊपर जाके वैनिशिंग पॉइंट मिलता है तो ये तीन तरह के जो थ्री पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट वाली जो होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है और थोड़े में बहुत